वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर व्योमास किचन। मैं हूँ व्योमा। आज हम अपना दूसरा एपिसोड शूट कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने दिखाया था पाव भाजी, जो कि मुंबई का बहुत फेवरेट स्ट्रीट फूड है। जिसने भी मिस किया होगा वो वीडियो, वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। आज हम अपने सेकेंड एपिसोड में आज हम आपको दिखाने वाले हैं पालक पनीर, जो कि नॉर्थ इंडियन का बहुत फेवरेट डिश है, कई लोगों की पसंदीदा डिश है, कई लोग उसे शौक से खाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि आप कितने आसानी से उसको घर में बना सकते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट से और बहुत कम टाइम में। अब हम देख लेते हैं कि हमें आज क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो ये है ब्लैंक स्पिनच, ये हमको लगे, ये हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के। ये कटे हुए प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन और यहाँ पे हमारे खड़े मसाले हैं कुछ, जिसमें तेजपत्ता, दालचीनी, सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से लौंग और यहाँ पे कसूरी मेथी ले लिया है हमने। ये थोड़ा सा हमें टर्मरिक लग, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे और थोड़ा सा बटर और ये फ्रेश अमूल का फ्रेश क्रीम है। और ये पनीर हम इसको कच्चा अभी यहाँ पे रखे हैं, इसको थोड़े देर के बाद हम इसमें सॉटे कर लेंगे और तब हम इसको डालेंगे अपने सब्जी में। ये थे हमारे मसाले। अब हमें कुछ चीज़ें ग्राइंड करनी होगी हमारी सब्जी के लिए, तो हमें ग्राइंड करने के लिए हम लेंगे ब्लैंक स्पिनच, ऑनियन, ग्रीन चिली और थोड़ा सा अदरक और लहसुन। सो हमने ये ग्राइंड कर लिया है हमारे मिक्सर को और हमने साथ ही में थोड़ा सा हमने पनीर भी सॉटे कर लिया है हमने थोड़ा सा बटर डाल के। और हम अपना ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपना स्टोव ऑन कर लेते हैं। अब हम अपने पैन में ऑयल डाल लेते हैं 2 स्पून। हो चुका है तो अब हम मसाले डालते हैं। तो हम पहले डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, दालचीनी, थोड़ा सा लौंग और तेजपत्ता। और इसको तेल, अब इसको अच्छे से हम थोड़ा सा तेल में सॉटे कर लेते हैं। अब हमारे मसाले भुन चुके हैं, सो हम इसमें अपने जिंजर और गार्लिक थोड़ा सा ऐड कर देंगे। जब हमारा थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को तब तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम मसालों को इसमें अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जब हमारे मसाले थोड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें जो हमने ग्राइंड करके जो मिक्सर रखा था अपना पालक वाला, वो हम इसमें डालेंगे। हमारे मसाले जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें अपना मिक्सर डाल देते हैं। हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे बॉईल होने के लिए।
हमें उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए ढक दी। फ्रेंड्स अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं कि अब अच्छे से पक गया है। हाँ ये अब अच्छे से, बहुत अच्छे से पक चुका है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब इसमें अमूल का फ्रेश क्रीम डाल दिया हमने इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हम इसमें जो हमने पहले सॉटे करके जो पनीर हमने रखा था वो भी हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से पकड़ ले और पनीर बहुत थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए। फ्रेंड्स अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम देख लेंगे कि हमारी ग्रेवी हो चुकी है। हाँ हमने इसमें जितना भी पानी ऐड किया था वो पूरा अब इसके सोख चुका है और ये बहुत अच्छे से पक चुका है। जैसा हमको कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छा बना है। तो हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी पहले डाल देंगे। अपना गैस बंद कर लेंगे और इसमें हल्का सा नींबू ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी अब बन चुकी है, तो अब हम पालक पनीर को अपने सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यम्मी एंड डिलीशियस पालक पनीर अब रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे की हमारी वीडियोज भी देख सकते हैं। थैंक यू।